हेलो जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से ही कुछ भाई बहनों के मेरे पास कुछ एक दो डाउट हैं। वो डाउट क्या है वो मैं अभी आपको बताऊं। तो वो डाउट मॉक टेस्ट को लेकर के है कि मॉक टेस्ट कब लगाएं, हम लगाएं या नहीं लगाएं, अगर लगाएं तो कब से चालू करें। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी चालू की, कुछ पहले से कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। एक अपनी ओर से मैं कुछ बताऊंगा अभी आपको, तो वीडियो आप लास्ट तक देखना, ठीक है दोस्तों। तो इसी के ऊपर हम बात करें, मॉक टेस्ट के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं मुझसे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को देख के स्किप मत कर दिया करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब तो एक बार जरूर कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बस इतना करना होता है आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मॉक टेस्ट को लेकर के। देखिए, मॉक टेस्ट ऐसा होता है, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आप कहें तो ये हमारे मनोबल के, हमारे यानी कि हमारे जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारे आत्मविश्वास को आप कहूँ तो बढ़ा दे बहुत ज़्यादा, और आप कहें तो बहुत ज़्यादा डाउन कर दे। अब वो किस परिस्थिति पर डिपेंड करता है, वो इस परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है, अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट कब लगाना होता है, जब आपका सिलेबस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस की या कांस्टेबल की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें जब आपका सिलेबस जो कि 70-80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 70 से, हालांकि अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगा रहे हैं तो वो तो फिर और ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम इतना बता रहा हूँ, आपका 70-80% जब सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद हमको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। इससे होता क्या है मैं आपको बताऊँ, जब हम चीज़ों को अभी अभी सीख रहे हैं, अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, अगर हम मॉक टेस्ट लगाने बैठेंगे तो सीधी सी बात है हमारा स्कोर आएगा ही नहीं। जब हमारा स्कोर आएगा ही नहीं तो देख करके उसको डिमोटिवेट हो जाएंगे हम कि यार मतलब अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं इसमें, कोई भी सब्जेक्ट हल ही नहीं हो पा रहा है। अरे नंबर कहाँ से आएंगे जब आपने अभी पढ़ा ही नहीं है तो पूरा सिलेबस, ठीक है। लेकिन जब हम तैयारी करने के बाद हम इसको मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अंदर अंदर, और हमें एक अंदर ही अंदर अपना एक मतलब एक ऐसी ऊर्जा मिलती है हमें कि अब हम ये कर सकते हैं, हमारा अच्छा स्कोर आ रहा है। वो अच्छा स्कोर तभी आएगा जब आप तैयारी करने के बाद इनको लगाओगे। लेकिन कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताऊं कि आप लगा सकते हैं, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहले से तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ ऐसे हैं जो बस देखने के नाम के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेबस अभी 70-80% भी कंप्लीट, 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपको लगता है पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपका इतना सिलेबस कंप्लीट है, तो आप मॉक टेस्ट आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर मैं भी आपको एक मॉक टेस्ट और एक गाइड इसकी बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम बेस्ट बुक की बात करें तो आप चक्षु प्रकाशन की ले सकते हैं। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट किसको और कब लगाना है वो मैंने आपको बता दी, ये दोनों को आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी इसके ऊपर बात। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि तैयारी करने से पहले ये काम जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। पिछली 2-3 वीडियो में भी आपको ये बोल चुका हूँ, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले 2 काम जरूर करने होते हैं। एक तो उसका सिलेबस जान लो सबसे पहले, उसका क्या सिलेबस है। दूसरे उसके PYQ, यानी कि दूसरे उसके PYQ देख लें कि इसके जो पेपर है पहले जो आए हैं, इसके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कितने तरीके से पूछे गए हैं, किस किस एरिया से और कितने गहराई तक प्रश्न पूछे गए हैं, और किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे कि आपका मैथ है तो मैथ में आप ये देखें कि मतलब इनकी जो सॉल्यूशन है, यानी कि इनमें जो सॉल्यूशन हो रहा है वो किस किस तरीके से, यानी कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है या कम है, तो किस किस तरीके से प्रश्न आते हैं। हिंदी के प्रश्न कैसे आते हैं, GS के प्रश्न किस पोर्शन से ज़्यादा, यानी कि जैसे कि आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रपति या आपके मूल अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति या मूल, इनको आप देखेंगे इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न दिखेंगे आपको कि ज़्यादातर वहीं टारगेट कर रहा है, राष्ट्रपति से आपको लगेगा कि भैया मूल अधिकार से आपसे लगेगा कोई ना कोई प्रश्न हर बार यहाँ से पूछ रहा है। तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें ये काम आएंगे कि यार मूल अधिकार से हर बार प्रश्न आता है तो मैं यहाँ पढ़ूँ ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका डाउट था, मैंने आपको बता दिया। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कुछ भी डाउट हो अगर परेशान मत होइए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।